HyperOS के लेटेस्ट अपडेट्स मोर Xiaomi डिवाइसेस के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। कौन कौन से Xiaomi स्मार्टफोन्स के लिए, कौन कौन से रीजन्स के लिए न्यू अपडेट्स यहाँ पे रिलीज़ हो चुके हैं, यह मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ। सबसे पहले तो Xiaomi Pad 6 के लिए Xiaomi ने 1.0.4.0 का एक न्यू अपडेट रशिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए रोल्ड आउट कर दिया है। Redmi Note 11 ने Poco M4 Pro 4G के लिए 1.0.1.0 इंडोनेशिया स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए, Poco X5 के लिए 1.0.3.0 यूरोप स्टेबल, Poco X5 के लिए 1.0.5.0 ग्लोबल स्टेबल, Redmi Note 11 Pro Plus 5G जो इंडिया में Xiaomi 11i के नाम से है, इसके लिए 1.0.2.0 रशिया एंड 1.0.2.0 तेवान स्टेबल। और इसी के साथ इन अपडेट्स के डाउनलोड लिंक्स मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। और Redmi K40 गेमिंग के लिए 1.0.2.0 फुली रोल आउट हो चुका है। फास्ट बूट रोम भी अवेलेबल हो चुकी है, जैसा कि यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे Redmi K50i के लिए 14.0.10.0 इंडिया स्टेबल अपडेट मार्च पैच के साथ बीटा टेस्टर्स के लिए रोल्ड आउट यहाँ पे हो चुका है। और Xiaomi 11 Lite यानी 5G के लिए 1.0.3.0 इंडिया स्टेबल अपडेट बीटा टेस्टर्स से नॉर्मल के लिए रोल्ड आउट हो चुका है। और यह अपडेट आपको ओल्ड पैच फरवरी के साथ ही देखने के लिए मिलता है। Redmi Note 13 Pro 5G के लिए 1.0.4.0 चाइना स्टेबल अपडेट न्यू बिल्ड में विद एडवांस टेक्सचर्स यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। K50i के लिए 14.0.10.0 इंडिया स्टेबल अपडेट मार्च पैच के साथ। और Poco X5 Pro Note 12 Pro स्पीड एडिशन के लिए 1.0.6.0 चाइना स्टेबल अपडेट अप्रैल पैच के साथ यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। और इसी के साथ अगले स्मार्टफोन्स हैं Xiaomi 12 Pro 1.0.2.0 ग्लोबल, Xiaomi 11 Lite 5G 1.0.3.0 TR, Note 12 Pro Pro Plus 5G 1.0.2.0 इंडिया, Note 11s 1.0.1.0 इंडोनेशिया, 1.0.1.0 TR, Xiaomi 12 Pro 1.0.5.0 यूरोप स्टेबल, Poco F5 Pro 1.0.4.0 यूरोप स्टेबल। सो ये सारे अपडेट्स आपको अप्रैल पैच, मार्च पैच, फरवरी पैच, तीन सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आप कौन सी अपडेट के लिए यहाँ पे एक्साइटेड हैं? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेटेस्ट Xiaomi HyperOS।